हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास है Y20 मॉडल, और इसमें दिक्कत ये है। ये देखिए, ये कस्टमर की हालत में जो मोबाइल मेरे पास लेके आया था, और अभी इसमें हमें करना क्या है आपको पता चल गया होगा। हमें इसमें कॉम्बो लगाना है, जो फोल्डर है वो चेंज करना है, लेकिन कंडीशन इसकी ऐसी है कि कॉम्बो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं। इसका टाइम जो हमारे पास बच चुका है, ठीक है। इसमें Y20 मॉडल है और Y20 का ही सपोर्ट करता है। वैसे Y20 का कॉम्बो Y20, Y20S और एक दो वो मॉडल और इसमें भी सपोर्ट करता है। मैं आपको साइड में जो है स्क्रीन पे लिख के बता दूंगा। ये वाले मॉडल हैं, और अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कॉम्बो मैंने मंगवा लिया मार्केट से, जो है मार्केट से मैंने परचेज किया था। ये पेस्टिंग वारंटी कॉम्बो है। अभी कॉम्बो बाद में निकालेंगे, उससे पहले जो इसको खोल लेते हैं हम लोग, तो हल्का से इसको गर्म करना पड़ेगा। पीछे से मैंने सेपरेटर पहले से ही चालू करके रखा है, इधर आप लोग देख सकते हैं। अभी इसको मैं गर्म कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने गरम पे लगा दिया है, 2-3 सेकंड के लिए गरम कर लेंगे इसको। सेपरेटर पहले से गरम करना आपको, जिससे क्या है कि हाथों हाथ हो जाएगा काम। इसमें पहले भी कॉम्बो चेंज हो रखा है। वैसे ये जो है कॉम्बो, ये लोकल वाला कॉम्बो इसमें लगाया हुआ है, कोई पेस्टिंग कॉम्बो ये नहीं है। क्योंकि पेस्टिंग कॉम्बो अगर होता है तो उसमें साइन होता है बाकायदा, उसमें डेट जो है मेंशन की होती है, और दुकान का नाम होता है पूरा। जैसा कि मैं अभी जो है आपके सामने करके दिखाऊंगा, वैसा जो है सारा प्रोसेस होता है उसमें। ये लोकल कॉम्बो है, नॉन पेस्टिंग वाला। इसमें डेट आप लोग देख सकते हैं, 13/2/2022 को ये लगाया हुआ था। ये वैसे पहले खुला हुआ था, इतनी दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। ये देखिए उतर चुका है। बस आपको एक दो बार आइडिया हो जाएगा तो आप भी कर सकते हो, कोई इतना बड़ा प्रोसेस है नहीं इसमें। ये देखिए उतार दिया मैंने, बहुत आसान है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ग्लू कैसा लगा रखा, पूरे की जो हालत ख़राब कर रखी है। अगर इस तरह से जो अगर आप मोबाइल रिपेयर करेंगे तो शायद दोबारा मोबाइल आपके पास आएगा। अगर ये मोबाइल ठीक सही से करता हो सामने वाला बंदा, तो ये मोबाइल मेरे पास नहीं आता अभी। आप लोग देख सकते कितनी हालत ख़राब कर रखी है, पूरे में ग्लू लगा रखा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सिर्फ साइड में लगाओ, अगर ग्लू लगा नहीं है तो ग्लू मत लगाओ। आप इसकी जगह जो है डबल टेप यूज़ कर लो, जिससे गंदगी तो नहीं होगी कम से कम। अब इसके स्क्रू रिमूव कर लेंगे यहाँ से हम लोग। ये देखिए रिमूव हो चुका पूरा, बैटरी यहाँ से हटा देनी है। हटाने के बाद फर्स्ट टाइम जब आपसे बैटरी नहीं निकलती है ना, तो कभी भी जो है ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि बैटरी ख़राब हो जाती है। ये देखिए अभी भी ग्लू लगा रखा है इसके नीचे, ऐसा लग रहा मुझे। जब भी बैटरी निकालो तो उसके नीचे जो पन्नी आती है वो वापस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से चिपक जाती है तो फटने का बहुत डर रहता है। फटने के बाद भी ख़त्म है कोई भी इसका जो है मतलब काम का या नहीं रहता बैटरी, ये ख़त्म हो जाता है। फिर इसका बैकअप ख़त्म हो जाता है, कम चलती फिर इसमें बुदबू मारने लग जाती है, फूल जाती फिर केमिकल बाहर निकल जाता है इसका। अब इसके जो है सारे कॉर्नर साफ कर लेंगे हम लोग। ये देखिए सारा ग्लू मैंने इसका रिमूव कर दिया साइडों से, पूरा क्लीन हो चुका है। अब इसमें कॉम्बो चेक करने की बारी, तो कॉम्बो हम लोग निकाल लेते हैं। ये मैंने मंगवाया था ऐसे किससे पड़ा था, अभी आपके सामने मैं इसको खोल रहा हूँ, पार्सल आया था। इसका स्टिकर मैंने हटा दिया, क्योंकि देखो हर चीज़ ज़रूरी है सेफ्टी के हिसाब से, किसी का नंबर इधर से उधर हो गया तो। ये देखिए ये ड्रैगन का कॉम्बो, पहले मैं SR का यूज़ करता था, लेकिन अभी ड्रैगन का यूज़ करता हूँ। ये एक नंबर क्वालिटी है, ये आज तक कोई शिकायत नहीं आई मेरे को, पता नहीं कहाँ का ब्रांड है, लेकिन एक नंबर है।
और जो पैक करके जो भेजते हैं ना, जहाँ से मेरा पार्सल आता है, वो भी अच्छी तरीके से पैक करके भेजते हैं इसको। ये देखिए डबल पन्नी कर रखा है इसको। जो भी पेस्टिंग वारंटी कॉम्बो होता है ना गाइस, उसमें पीछे लिखा हुआ होता है, देखिए मेन चीज़ पेस्टिंग गारंटी, पेस्टिंग वारंटी या गारंटी जो भी है, और इसका मॉडल लिखा हुआ होता है और इसका जो डेट होता है वो लिखा होता है। अब ये डेट है ना, उसके बाद जो कस्टमर को देते हो 3 मंथ का गारंटी रहता है रिपेयर होने का, ठीक है। तो अभी चेक कर लेते हैं इसको। इसकी फिटिंग जो है परफेक्ट एक नंबर आती है। एक बार में जो है सही से फिट बैठ जाता है, अगर आपने जो है इसका मिड सही से क्लीन किया हो तो, बॉडी को सही से क्लीन किया, पहले वाला ग्लू सही से उतारा है तो। ये मोबाइल डिस्चार्ज लग रहा है मेरे को, इसको चार्ज लगाते हैं थोड़ा। तो दोस्तों हमारा मोबाइल चार्ज हो चुका है, अभी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए हमारा मोबाइल चार्ज हो चुका है, मैंने इसको ऑन भी कर लिया है। तो अभी इसका टच मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी क्लियर आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो इसका ग्राफिक्स कितना क्लियर दिख रहा है आप लोग देखिए, देखिए ठीक है। अब इसका टच हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, कम्प्लीटली प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब यहाँ से मैसेज में जा कर के इसका जो है टच पैड पूरा चेक करा देता हूँ मैं। जब भी आप लोग कॉम्बो चेक करें तो इस प्रकार से एक बार चेक कर लें, अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी ना तो वो यहाँ से पता चल जाएगी। मान के चलिए इसको जेड को क्लिक कर रहा हूँ, अगर टच एडवांस काम कर रही होगी ना तो कहीं दूसरी जगह से और क्लिक हो जाएगी साथ में। तो इस तरह से चेक करना बेटर रहता है नंबर चेक करने से। तो ये कंप्लीट है, वैसे मेरे ख्याल से पूरी कंप्लीट है, मैंने प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया है। तो अब इसको पेस्ट करने की बारी है, लगाने की बारी है, तो चलिए इसको लगा देते हैं। मैं इसको पूरा पैक नहीं करूँगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसका जो ढक्कन वगैरह बाद में लगाऊँगा जब कॉम्बो पूरा सूख जाएगा। ओनली अभी मैं इसको सिर्फ बिना ढक्कन के सेट करूँगा, ठीक है। तो अभी पहले मैं इस पर अपना जो है साइन वगैरह कर देता हूँ, जो मैंने पहले बताया था आपको, भी मैं इस पर साइन करता हूँ। पेस्टिंग कॉम्बो जो भी होता है उसमें मैं डेट वगैरह साइन जरूर लिखता हूँ, जिससे क्या नाम है पता चल जाएगी हमारी दुकान से लगा हुआ है किसी और से। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपना शॉप का नाम लिख दिया और डेट इसमें मेंशन कर दी है, और एस्टिमेट लिख दिया टच वारंटी ओनली, सिर्फ टच की वारंटी होती है। आजकल जो है आप लोगों को पता होगा कि इसमें काफ़ी रूल चेंज हो चुके हैं, पेस्टिंग जो कॉम्बो आती है उसमें पहले ब्लैंक वगैरह सारा चेंज होता है, लेकिन अभी ब्लैंक चेंज नहीं होता है। अब सिर्फ टच में, अगर टच ऑटो वर्क कर रही है, वर्क नहीं कर रही है, या फिर जो है एक जगह रुका हुआ है, तो ये चेंज हो जाएगा। बाकी जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें चेंज नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ पहले से। अब इसको लगाने की बारी है, तो मैंने इसको पहले से क्लीन करके रखा है, सिर्फ इसमें ग्लू लगाना, उसको सेट करना। ग्लू बिल्कुल लिमिटेड लगाना है, और आपको यहाँ पे सेंसर का हमेशा ध्यान रखना है, इस सेंसर पर कभी ग्लू लगाना नहीं है आपको। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ग्लू मैंने लगा दिया है, अब इस कॉम्बो को लगाने की बारी है। देखिए ये जितनी भी एक्स्ट्रा पन्नियाँ होती है ना, ये वाली नीली नीले कलर की, इसको आपको हटाना ज़रूरी होता है, ध्यान रखें। ये देखिए कॉम्बो लग गया, अब इस पर रबर लगाने की बारी है। उससे पहले हम लोग एक बार चेक करेंगे, ये देखिए दोस्तों मैंने इसका जो है चालू कर दिया है दोबारा से इसको पेस्ट करके। अब इसमें रबड़ लगाने की बारी, रबड़ कैसे लगाना है वो आप लोग देख लीजिए एक बार, शायद आपको मालूम नहीं हो। सबसे पहला रबड़ आपको नीचे की तरफ लगाना है,
और दूसरा रबड़ सबसे ऊपर। पीछे कैमरे का ध्यान रखते हुए आपको ये सारा काम करना है। ये देखिए, और एक बार यहाँ से देख लेना है कि ऊपर नीचे तो नहीं है कॉम्बो। उसके बाद फिर सारे रबड़ लगाने। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको कंप्लीट सेट कर दिया है पूरा रबड़ लगा करके। जो आज का पूरा, अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया होगा ना गाइस, सच बता रहा हूँ आप कॉम्बो लगाना 100% सीख गए होंगे। कैसे क्लीन करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने प्रोसेसिंग पूरा जो है जीरो से सिखाई है आपको। अगर आप लोग कॉम्बो उतारना चाहते हैं, टच लगाना चाहते हैं, तो उसका जो है वीडियो मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगा, वहाँ जो आप लोग देख सकते हैं वीडियो। तो अभी आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कॉम्बो की रेट जाननी, ये कॉम्बो 1500 रुपये का है पेस्टिंग वारंटी वाला। बाकी कॉम्बो आपको 1000 रुपये मिल जाएगा, 1100 मिल जाएगा। मार्केट है देखो, अलग अलग तरह की रेट है, अलग अलग तरह के ब्रांड है। मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, मैं जो चीज़ लगा रहा हूँ उसकी रेट आपको बता रहा हूँ। 1500 रुपये का कॉम्बो है, मैं अगर आप लोग भी आएंगे तो 1500 में ही लगाऊंगा, ठीक है। और बाकी कॉम्बो में कोई भी शिकायत देती है उसकी गारंटी मेरी है। लेकिन अगर कंपनी केवल एक ही चीज़ की गारंटी दे रही है टच की, तो टच की ही गारंटी रहेगी, अदरवाइज कोई इसमें शिकायत आती नहीं है। अगर कोई लाइन वगैरह की शिकायत रहती है, ब्लैंक की शिकायत रहती है, वो आपकी खुद की जो है प्रॉब्लम रहती है, खुद से जो है ऐसी दिक्कत क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से दिक्कत आती है इसमें। तो दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब लीजिए, और साइड में दिख रहे बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। मिलते हैं कौन नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।